हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है और यह घर में रखे कुछ सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। इसमें आपको कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ेगी। आपके बच्चे भी यदि खाना में आनाकानी करते हैं तो आप इस नाश्ते को जरूर बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी इसे आप दे सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इस हेल्दी से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। एक छोटे साइज के टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काटा है। थोड़ी सी शिमला मिर्च को मैंने बारीक कट करके रख लिया है। अब हम इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने लो पर ही रखा है। अब इसमें हम एक चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। बटर हमारा जो है मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैंने 3 से 4 लहसुन कलियों को बारीक कट करके रखा है, उसे हम इसमें डाल देंगे। दो हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट करके रखा है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने जो प्याज कट करके रखा है उसे हम इसमें डाल देते हैं। शिमला मिर्च, सभी सब्जियों को हम एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि मुझे इसे ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ इसका कच्चापन ही दूर करना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें हम एक चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी में हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो है हमारा हल्का सा भून गया है। हमें इसे डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन ही दूर करना है। और इसमें हम एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे मैं गैस की फ्लेम को एकदम लो पर ही रखेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। चिली मसाले जो है हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। यदि आपके पास में नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे विनेगर भी डाल सकते हैं। इससे नाश्ते का टेस्ट जो है बहुत ही चटपटा सा आता है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गैस की फ्लेम को हम एकदम कम कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाऊंगी, तो ये रोटी जो है गेहूं के आटे से बना हुआ है। ये मेरी रात की बची हुई रोटी है। आप चाहे तो इसे दिन की बनी हुई रोटी से भी बना सकते हैं। तो रोटियों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे और इसका पतला पतला रोल करेंगे। इस तरह से हम इसे पतला पतला फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने इसे पतला पतला फोल्ड कर लिया है। अब एक चाकू लेंगे या पिज्जा कटर, किसी भी चीज से हम इसे कट करके इस तरह से पतले पतले शेप में काट लेंगे। देख सकते हैं कि इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा कट होगा। इसी तरह से हम सारी रोटियों को काट करके रख लेते हैं। तो देख सकते हैं सारी रोटियों को मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट कर रख लिया है। इसे हम हल्का हल्का सा खोल देंगे। चलिए, इधर हमारा मसाला भी जो है अच्छे से भुन गया है और मैंने जो रोटियों को कट करके रखा है उसमें हम इसे डाल देंगे।
सारी रोटी को मैंने डाल दिया है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मसाले के साथ हमें रोटी को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है ताकि मसाले जो है रोटियों पर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पाउच मैगी मसाला डाल रही हूँ। इस मसाले को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। नाश्ते में जैम डाल देती है। यदि आपके बच्चे भी घर पर खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं और यदि आपके पास में रोटी हो तो आप अपने बच्चों को यह टेस्टी सा नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चों को इसे टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इसे बनाकर दे सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी सब्जियों का यूज किया है इसलिए नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और गेहूं के आटे से बना हुआ है तो और भी हेल्दी है। तो चलिए हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्दी से मेरे वीडियो को वॉच कर सके।